हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और अभी जिम से मैंने निकल के बाहर नेस्ट किया हूँ, तो सोचा आपसे एक बात शेयर करूँ। आज ऐसे हुआ क्या कि मैं जिम जाने से पहले पहले अपनी पूरी डाइट फॉलो की, सब कुछ अच्छे से लिया, तो सोचा मैंने कि आज मैं बेंच हैवी लिफ्ट करूँगा। ये सोच के घर से निकला था क्योंकि मैंने पूरी डाइट अपनी पूरी फॉलो की थी। तो आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, कभी भी अपने फेलियर से डीमोनाइज कभी नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा एक्सेप्ट करो। क्यों करो? क्योंकि जैसे आपको मैं आज अपनी वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ 170 या 172 केजीज़ का बेंच प्रेस मैंने किया हुआ एक टाइम पे। तो आज सोचा था कि 130 आराम से इजीली लिफ्ट हो जाएगा, बट नहीं हो पाया। अभी आप पहले मेरी वीडियो देखो कि मैं किस तरह से मेरी फेलियर जो लिफ्ट ये हुई है आज। तो जैसे ही आपने मेरी वीडियो देखी, मैंने इसमें कितना लिफ्ट किया 130 केजीज़ का, जो कि लिफ्ट नहीं हुआ। तो मकसद मेरा यही बताने का इस वीडियो में कि कभी भी अपने फेलियर से कभी आप डिमोलाइज नहीं हो, क्योंकि जैसे अगर आज मेरे से लिफ्ट नहीं हुआ, कभी किसी से लिफ्ट नहीं होता, वो कितना भी उनके लिए हैवी हो सकता है, तो कभी उनसे लिफ्ट नहीं होता तो वो क्या होता है, उनका मूड ऑफ हो जाता है या डिमोलाइज फील करते हैं, क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं होते। ठीक है, कभी आपका दिन होता है तो आपसे लिफ्ट अच्छे से भी होता है, आपको पता ही होगा, कभी आपसे लिफ्ट बहुत अच्छे से हो जाता है, तो वैसे ही कोई एक दिन बीच में आता है जिससे आपका लिफ्ट अच्छा नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो दिखाई आज, मैं चाहता मैं आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकता था, मैं सीधा आपको दिखाता कि मैंने 170 केजी लिफ्ट की है आज नहीं कल, लेकिन मैं शो यही करता आपको कि नहीं जी, मेरा कभी फेलियर नहीं आता, फेलियर सबका आता है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि फेलियर आया, तो मेरा मकसद है कि आप भी कभी फील ना करो। ठीक है, इससे आप सीखोगे कि आगे जाके जैसे आप लिफ्ट, क्योंकि गलती सबसे होती है। जैसे मुझे पता था कि आज मेरे से 120 लिफ्ट होगा, लेकिन मैंने 130 लिफ्ट करने की कोशिश की तो लिफ्ट नहीं हो पाई। आगे जाके लिफ्ट हो जाएगी मेरे से, लेकिन आज नहीं हो पाई, तो एक ऐसे वो आज मेरा फेलियर ही था। लेकिन इसको भी इंजॉय करो, आप कभी भी इससे आप डिमोलाइज नहीं हो। तो ये छोटी सी वीडियो मेरी बनाने का मतलब बस इतना ही था मेरा कि आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा तो मूड ऑफ ना करो, वन करो इसको, नेक्स्ट डे जाके फिर से क्या पता आपसे अच्छे से लिफ्ट हो जाए। तो कभी ऐसा होता आपसे लिफ्ट काफ़ी अच्छे से लिफ्ट हो जाती है, जो आपने सोचा होता उससे ज़्यादा लिफ्ट हो जाता है। तो कभी ऐसा होता कि आपने जो सोचा था उससे बिल्कुल ही आप नीचे चले जाते, जैसे आज मेरे साथ हुआ। तो जैसे कि मेरा गोल है कि मैंने जहाँ तक जो मैंने सोचा कि मैं वहाँ तक अचीव करूँगा, तो इसमें काफ़ी फेलियर्स आएंगे। जैसे कि आज एक फेलियर आया, वो मैंने आपको दिखाया। तो जब तक मेरा गोल अचीव नहीं होगा, मैं बार बार इसको हार्डवर्क करता रहूँगा, ट्राई करता रहूँगा, कभी ना कभी मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो आपको मेरा बोलने का ये मतलब है कि लाइफ में कभी आप हार ना मानो, ज़रूरी नहीं कि जिम में ही, लाइफ में आप कोई भी काम पकड़ो, एक ना एक दिन आपके गोल के बीच में एक ऐसा फेलियर ज़रूर आता है कि आप डिमोलाइज फील करते हो और आप सोचते हो कि मैं गोल तक नहीं पहुँच पाऊँगा। आप पहुँच पाओगे, अपना आप हार्डवर्क ज़रूर करते रहो, जो आप सोचा हुआ उसके बारे में सोचो और मेहनत करते रहो, आप अपने गोल तक जरूर पहुंचोगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, बस आपको मोटिवेट करना है मैंने कि हाँ, अपनी जो भी फेलियर से कभी भी डिमोलाइज फील ना करो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरह से फेलियर भी आएंगे बीच में, बट जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 45-50 डेज़ के अंदर मैं अपना मसल मास इंक्रीज करूँगा, वो भी करके दिखाऊंगा। तो आज लिफ्ट मेरी फेल हो गई है, कल फिर से लगाऊंगा, कल क्या पता मेरे से लिफ्ट पास हो जाए, आपको वो भी दिखाऊंगा। और जो आपका मकसद अपने गोल तक पहुंचने का, वो आप जरूर अचीव करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि जो लोग डिमोलाइज फील करते हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेटेड फील हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आप जल्दी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।